कराची बिरयानी सीरीज में आज का टारगेट है न्यू कराची की खत्री बिरयानी, जो के गोधरा 11G में खत्री हॉस्पिटल के पास मिलती है। और ये बिरयानी कराची की तमाम बिरयानियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और जायका भी चेंज। यही वजह है कि ना सिर्फ खत्री कम्युनिटी इस बिरयानी को शौक से खाती है, बल्कि पूरा कराची इस मज़ेदार खत्री बिरयानी का आशिक है। ताज़ा गोश्त और एवन क्वालिटी के चावलों का इस्तेमाल करने से इस बिरयानी का लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो चलिए चलते हैं, खत्री बिरयानी खाते हैं और आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अकील पठान और अल्लाह ताला का पाक नाम लेके व्लॉग करते हैं शुरू। और संडे फंडे है तो आज हम लोग पहुंच गए हैं न्यू कराची इसलिए कि भाई और दिन जो है यहाँ पर आने का टाइम नहीं मिलता काम की वजह से, और संडे वाले दिन ही हम यहाँ पहुँच सकते हैं क्योंकि ये 3-4 बजे के बाद ख़त्म हो जाती है बिरयानी। तो आज हम लोग आए हैं न्यू कराची 11G और खत्री बिरयानी ट्राई करने आए हैं। बड़ी फेमस खत्री बिरयानी है यहाँ की, बड़ा नाम सुना था इसका, तो हमने सोचा चलो आज इसका भी विज़िट करते हैं, इसको भी अपनी बिरयानी की सीरीज़ में ऐड करते हैं। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं खत्री बिरयानी, और यहाँ पर मेरे ख्याल 2 मुझे नज़र आ रही है खत्री बिरयानी 3, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं किसका टेस्ट अच्छा है और बताएंगे कि ओरिजिनल कौन सी खत्री बिरयानी है। तो चलते हैं टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। फाइनली जो है हम लोग पहुंच गए हैं 11G और न्यू कराची में, और यहाँ पर जो है खत्री बिरयानी जो है वो ट्राई करने आए थे। तो यहाँ पर 2-3 जो है इनकी जो है वो खत्री बिरयानी, मतलब इनकी कम्युनिटी है, उनके सब लोगों ने अपनी अपनी बिरयानी खोली है। हम लोग जो है वो मोहम्मद साबिर भाई के पास आ गए, साबिर खत्री बिरयानी के पास। यहाँ रश थी थोड़ा, तो हमने चला यहाँ की भी ट्राई कर लेते हैं। तो ऑर्डर दिया, जैसे ऑर्डर आता है फिर आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी है जी। पूरी मुस्लिम खत्री बिरादरी में यहाँ पे जितने भी बिरयानी वाले बैठे हुए हैं, तकरीबन सबसे लाजवाब जायका और बिरयानी माशाल्लाह इनकी शब्बीर भाई की, मोहम्मद अली मोहम्मद साबिर कादरी बिरयानी वाली की बहुत अच्छी उमदा बिरयानी है। मोहम्मद साबिर कादरी, साबिर भाई ये बताएं कि पहले तो ये 2-3 मुझे शॉप दिख रही हैं, तो ये सारी आपकी हैं या अलग अलग? नहीं, अलग अलग। अच्छा, अलग अलग। ये 2 मेरी है। अच्छा, ये 2 आपकी। तो कितना टाइम हो गया? अलहमदिल्ला तकरीबन 12-13 साल हो गए यहाँ। 12-13 साल। हाँ, तो ऐसा क्या मिलाते हैं बिरयानी के अंदर? अल्लाह पाक की रहमत होती है इसके अंदर। अच्छा, हमारा कोई कमाल नहीं, अल्लाह का कमाल है। अच्छा, तो रेसिपी भी चेंज है या वही जो बिरयानी होती टाइप? नहीं, हमारी खत्री बिरयानी एक अलग मकसद के अंदाज से बनती है, इसमें मसाले वगैरह अपने बने हुए होते हैं। तो फाइनली हम लोग ट्राई करने लगे हैं खत्री बिरयानी। खत्री बिरयानी जो है वो खा के ऐसा लगा जैसे कि मैं हैदराबाद में किसी की शादी में आ गया। बड़ा हैदराबादी टेस्ट है इसका। हैदराबाद की बिरयानी से जो है बहुत ज़्यादा, इसके बाद कुछ लोग पुलाव कहते हैं, हम लोग कराची वाले पुलाव कहते हैं, हैदराबाद वाले बिरयानी कहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा जो है वो ये टेस्ट इसका मैच हो रहा है। इसलिए पर्सनली मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है। हम लोगों ने जो है वो साबिर भाई की जो है वो बिरयानी ट्राई कर ली है। मैं चाह रहा हूँ कि जो 2-3 जो हैं बिरयानी तीनों ट्राई करूँ, ताकि मुझे पता लगे कि इनमें से अच्छा टेस्ट कौन सी बिरयानी का है। तो तीनों ही खतरी, लेकिन टेस्ट का भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए।
बिलाल भाई पहले तो ये बताएं यहाँ की जो फेमस खत्री बिरयानी है कौन सी है? सभी अपनी अपनी जगह पे मशहूर है अल्लाह की रहमत से, कोई इसमें कोई वो नहीं है, सब एक बिरादरी के हैं, एक आपस में है। एक दुकान छोड़ के चाचा की है, ये उनके बड़े भाई की है, ये खाला की है, वो खाला की लड़का है, हाँ एक ही बिरादरी है। मुख्तलिफ है, अलग अलग है। बिलाल खत्री भाई की बिरयानी भी टेस्ट करते हैं। इनका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, आगे वाले भाई का जो था वो थोड़ा चेंज था भाई का, और इनका जो भाई का थोड़ा मुख्तलिफ था। बिल्कुल चेंज है, मुख्तलिफ है। जी बिल्कुल सर, और अभी गरम गरम पत्रियाँ लगाई हम लोगों के लिए। कहाँ से आए? इधर ही रहते हैं। बिल्कुल इधर ही रहता है, पीछे बैक साइड। कितना अर्सा हो गया? बचपन से, जब मैं अपने घुटने जितना था तब से बिरयानी खा रहा हूँ। अच्छा, बहुत अर्सा हो गया। तो बिरयानी को बिरयानी में क्या? नहीं, इसका एक ट्रेडिशनल अपना टेस्ट है, ये ट्रेडिशनल टेस्ट है। यहाँ पे जितनी भी स्ट्रीट के अंदर लोग बना रहे हैं उनका सब एक अपना टेस्ट है, लेकिन माइनस का फर्क है। आपको सब में अच्छी क्या? बहुत बहुत आला। ये जो दूसरी कराची की बिरयानी है, उसमें क्या फ़र्क? इनमें बहुत फ़र्क होता है। किस चीज़ का? जो मसाला, जो मसाला होता है ना उसका फ़र्क होता है। उनका गोश्त, और उसको वो गोश्त को पता नहीं था, हमें गोश्त को पता है, हमें हम बचपन से खाते हुए आ रहे हैं, हमें पता है कि गोश्त कैसा चलता है, मसाला कैसा होता है, मटेरियल कैसा होता है। मेरी शॉप को कम अज़ कम 25 साल से ज़्यादा हो। 25 साल से? तो एड्रेस बता दो लोगों को पहले। तो सबसे पहले सर, आपको यहाँ आने के लिए 11G न्यू कराची, सामने मशहूर जो दो जगह हैं, एक तो है नूरानी ईदगाह ग्राउंड, दूसरा अकरम कादरी का मज़ार, और तीसरा जो है खत्री हॉस्पिटल, मुस्लिम खत्री हॉस्पिटल। टाइमिंग बताएं आपकी टाइमिंग सर, सुबह 10 बजे से लेकर शाम तकरीबन 5 बजे। प्राइस क्या है? प्राइस सर हमारे भी चल रहे हैं, वो 200 रुपये की सिंगल है, 250 रुपये की डबल है, और 350 रुपये की स्पेशल है, ओनली बीफ। ये आगे है खत्री बिरयानी नंबर 3। तो इसका जो है वो चावल वगैरह ज़बरदस्त है, गोश्त जो है ना स्पेशली इन तीन बिरयानी का मैं कहूँगा गोश्त बड़ा ज़बरदस्त है। पता नहीं अपने जानवर काटते हैं जहाँ से भी लाते हैं, लेकिन गोश्त बहुत अच्छा है, क्योंकि गोश्त जो है खाते हैं आपको पता लग जाता है गोश्त की क्वालिटी का। और ये गर्म गर्म बिरयानी पहले ही मेरा मुँह जल चुका है, मैं ज़रा देख के खाऊँ। जबरदस्त, ये भी बहुत जबरदस्त। आप अगर तीनों में से किसी को दिखाते हैं ना, तो तीनों का अपना टेस्ट, शक्ल तीनों की सेम है, लेकिन जायका तीनों का चेंज है, और तीनों का अच्छा अलग अलग मिलकर जाएगा। आप किसी से भी खा लेंगे तो आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि यह है खत्री बिरयानी। तो फाइनली जी, आज जो है वो बिरयानी की प्लेटें खाई हमने, दो से तीन प्लेटें हमने खाई हैं अलग अलग बिरयानी की। तो आबिद आप बताओ, आपको सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी खत्री बिरयानी लगी? मुझे तो सबसे ज़्यादा जो है ना, शब्बीर भाई शब्बीर भाई की बिरयानी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मतलब हर किसी का अपना टेस्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी अच्छी नहीं है, इनकी अच्छी है, हर किसी का अपना टेस्ट है, हम लोगों का अपना टेस्ट है, आप लोगों का अपना टेस्ट है। मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छी लगी, मुझे भी शब्बीर भाई की बिरयानी अच्छी लगी, जो हमने फर्स्ट में ट्राई की थी, उनकी भी बिरयानी अच्छी है, चावल और गोश्त सबका एक जैसा है, सबका ज़बरदस्त। माइनर सा जो है फ़र्क है खाली टेस्ट में, तो आप कहीं भी आ जाएंगे तो आपको अच्छा ही टेस्ट मिलेगा, बुरा नहीं है तीनों का। तो फाइनली खत्री बिरयानी जो है वो भी आज ट्राई कर ली है। तो जाने से पहले वही रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अकील पठान को दीजिए इजाज़त। खुदा पमान, अल्लाह हाफिज़।